आज हम लगाने जाने वाले हैं स्वराज 744 के ऊपर म्यूजिक सिस्टम। और दोस्तों, आप में से ही किसी भाई का एक का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, तो उसी के घर पे आज हम म्यूजिक सिस्टम लगाने जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये 744 स्वराज 744 का यू स्टैंड है, तो पहले ये रख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम सब बुफर रखने वाले हैं जो कि 12 इंची का है, तो पहले इसको रख लेते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, हम इसको म्यूजिक सिस्टम को उसके घर पे जाके ही उसके ट्रैक्टर के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, और आप पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप में से भी कोई ट्रैक्टर के अंदर म्यूजिक सिस्टम या ट्रैक्टर को मॉडिफिकेशन करवाना चाहता है, तो वो आप ढाका म्यूजिक पे ले आके बारडा के अंदर करवा सकते हो। तो आपका इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये यू स्टैंड स्वराज 744 का है, तो अभी इसको बुलेरो के अंदर लोड कर देते हैं, और इसके बाद हम इसके अंदर एक सब बूफर ले जाने वाले हैं अपने साथ में, तो उसके म्यूजिक सिस्टम के साथ में ये सब बूफर लगाने वाले हैं। और दोस्तों, जो कि 12 इंची का सब बूफर है, ये इंस्टॉल करने वाले हैं स्वराज 744 के अंदर, तो इसको भी अपनी गाड़ी में लोड कर लेते हैं, और फिर चलने वाले हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जाके इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। पहले इसको अच्छे से गाड़ी के अंदर रख लेते हैं, तो अभी इसको लोड करके फिर यहाँ से जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, ये 12 इंची का सबवूफर है, ये गाड़ी के अंदर बिल्कुल आराम से आ गया है, और ये यू स्टैंड हो गया है। तो ये हो गया अपना सबवूफर और यू स्टैंड, दोनों हो गए हैं कम्प्लीट। तो इसके नीचे गत्ता लगा देते हैं, ताकि ये गाड़ी की सीट, इससे गाड़ी की सीटें फटे ना, उसके लिए हमने इसके नीचे गत्ते लगा दिए हैं, ताकि गाड़ी को सीट को कोई हानि न पहुंचे। तो ये यू स्टैंड हो गया है और सबवूफर हो गया है 12 इंची का। तो इसको अब थोड़ा आगे कर देते हैं, क्योंकि पीछे से हमें गेट भी बंद करना है गाड़ी का, तो उसके लिए इसको यू स्टैंड को। तो आप देख सकते हो, ये स्वराज 744 का यू स्टैंड है। तो ये अपना अब इसको टच कर रहा है, तो इसके भी यहाँ पे भी हम गत्ता लगा देते हैं, ताकि इसका कलर ना उतर जाए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, अभी वहाँ पे ही जाने वाले हम इसको लगाने के लिए। तो अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकलते हैं दुकान से। अगर आप में से कोई दोस्त म्यूजिक सिस्टम लगवाने के इच्छुक हो, तो वो लगवा सकता है। तो दोस्तों, हम जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाने आज जाने वाले हैं, वो हमारी शॉप से जगह लगभग 60 किलोमीटर है। और दोस्तों, 60 किलोमीटर जाने वाले हैं हमारी शॉप से, और वहीं उसके घर पे जाके म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ने देख लिया है, अब चलो आपको दिखा देते हैं डायरेक्ट उसी के घर पे जाके, कि वहाँ पे हमें कौन सा ट्रैक्टर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए, हम चलते हैं उसके घर पे। तो दोस्तों, जहाँ पे हम म्यूजिक सिस्टम लगाने जाने वाले थे दोस्तों, वो गांव आ गया है। तो आप गांव का नाम देख सकते हो, खरकड़ी सुहाना निर्मल। और दोस्तों, हम खरकड़ी सुहाना में आज म्यूजिक सिस्टम लगाने आए हैं स्वराज 744 के अंदर। तो दोस्तों, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और आप देख सकते हो, इसमें मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया था, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो ये अपनी गाड़ी आ गई है, तो आप देख सकते हो, यहीं पर हम म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए आए हैं। तो ये अपनी गाड़ी आ गई है इसी के अंदर, तो इसको बैक में लगा देते हैं, ताकि हमें म्यूजिक सिस्टम उतारने में कोई परेशानी न हो। तो अभी इसको गाड़ी को बैक लगा के, और बाद में अपना म्यूजिक सिस्टम उतार के ट्रैक्टर के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप में से कोई इच्छुक हो, तो वो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। अगर आपको जानना है कि म्यूजिक सिस्टम कितने में लगता है, तो आप ढाका म्यूजिक से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम मडगार्ड के दोनों साइड के ये चारों नट खोल लेते हैं, क्योंकि इसी के अंदर अपना जो यू स्टैंड है, वो यहाँ पे ही फिक्स होने वाला है। तो उसके लिए हमें कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम इसको यू स्टैंड को इसी मडगार्ड वाले चारों नटों के अंदर लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, जो ये यू स्टैंड है, ये स्वराज 744 का ही है। तो ये सभी ट्रैक्टरों का अलग अलग आता है। तो आप देख सकते हो, ये लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो एक बार इसके नट टाइट कर देते हैं, और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं।
तो दोस्तों हमने इसके यू स्टैंड के जो नट थे वो टाइट कर दिए थे। तो दोस्तों जो जिस सब बुफर लगने वाला है उसके लिए जो पाती लगने वाली है, तो दोस्तों उसी को लगवाने के लिए हम तोशाम जाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से तोशाम के बिल्कुल पास में ही है गांव, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम तोशाम पहुँच गए हैं और यहाँ पर हम ट्रैक्टर के ऊपर वो यू स्टैंड के ऊपर पाती लगवाने वाले हैं। दोस्तों जिसके ऊपर सब बुफर टिकने वाला है उसके लिए हम ये पाती लगवाने वाले हैं, यहाँ पर बेल्ट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको मिस्त्री को हमने नाप दे के इसको बता दिया था कि कहाँ पे लगानी है, तो ये एक बार लगा देता है, उसके बाद आपको तो दोनों साइड है वो पाती बेल्ड हो गई है। दोस्तों यू स्टैंड के ऊपर दोनों साइड है वो पाती बेल्ड हो गई है। तो अब इसके ऊपर जो सब ऊपर है जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं उसको इसके ऊपर हम लगा देते हैं और एक बार इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितनी बिल्कुल आराम से इसके ऊपर सेट हो गया है। तो दोस्तों इसके लिए बेल्ट हमने इसलिए करवाया क्योंकि जो ये सबवूफर है इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इसको यू स्टैंड की जो पाती इसके अंदर बेंड ना आए और कहीं पे भी कोई दिक्कत की परेशानी ना हो। तो चलिए हमने इसके ऊपर 12 इंची पेटी लगा दी है टेप के लिए, यहाँ पर नीचे ही इसके नीचे लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसके टेप के लिए नीचे स्क्रू खींच देते हैं, तो इसका टेप है वो इसके नीचे ही इंस्टॉल करने वाले हैं, कोई कहीं और जगह पे साइड में नहीं करेंगे, तो इसको यहाँ पे इसके नीचे ही करने वाले हैं। तो ये है इसके अंदर टेप, तो इसके नीचे अब इसको टेप को भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखाई देता है बाद में टेप नीचे की साइड इंस्टॉल करने के बाद। तो इसके टेप के भी हम स्क्रू टाइट कर देते हैं और इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो वायरिंग के लिए हमें एक ही तार चाहने वाला है जो कि प्लस का, और माइनस के लिए हमें ग्राउंड अर्थिंग के लिए वाई ट्रैक्टर में कहीं पे भी हो सकता है वो, तो आप कहीं से भी लगा सकते हो। तो ये हम इसके अंदर स्विच लगाने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमें कहीं पे भी स्विच लगाने की जगह नहीं मिली, स्वराज 855 के अंदर तो हमें कई जगह पर हमें स्विच लगाने की जगह मिलती है, लेकिन इसके अंदर हमें कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिली। तो इसके लिए हमने एक और आइडिया सोचा है कि यहाँ पे तो ऊपर तो इसकी साइड यहाँ पे तो इंस्टॉल होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ये बिल्कुल भी। तो दोस्तों यहाँ पे ये फिट होने वाला नहीं था, तो इसके लिए हमने इसके जो स्टेयरिंग है उसके नीचे की साइड हम इसको टेप से लगा देते हैं, बाद में इसको ड्रिल से सुराख को थोड़ा करके बाद में वहाँ पर इसको लगा देंगे। तो अभी के लिए इसको स्विच को यहीं पर लगा देते हैं स्टेयरिंग के नीचे की साइड। तो यहाँ पे एक बार टेप को इसको अच्छे से कवर कर देते हैं ताकि इसमें कोई परेशानी न हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे की साइड ही हमने इसको लगा दिया है स्विच को, तो ये ऑन ऑफ यहीं से होगा, अब ये लेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम ग्राउंडिंग अर्थिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का कनेक्शन भी हो गया है अपना। तो अभी इसका जो माइनस का कनेक्शन है वो भी हमने यहीं पर कर दिया है जो इसके पीछे की साइड है, तो इसीलिए हमने एक तार का कनेक्शन करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो वो हमने डायरेक्ट बैटरी के ऊपर किया है, कोई इसकी वायरिंग के साथ छेड़खानी नहीं की है क्योंकि ट्रैक्टर नया है तो इसकी जो केबल की वारंटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए हमने अलग से कहीं पे भी कोई केबल में कट नहीं किया। तो अब इसके यहाँ पर हमें स्विच दिखाई देते हैं, इनको टेप वाले को और इसके सब बुफर वाले को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें भी कोई वो नहीं है, इसके अंदर चार स्विच हैं, तो इनको टेप के साथ इनको कनेक्ट कर देते हैं और फिर आपको चेक कराते हैं कि इसकी साउंड आपको कैसी देखने को मिलने वाली है। अगर दोस्तों आपको भी म्यूजिक सिस्टम में लगवाना है या आपको ट्रैक्टर को मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।